हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैड के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको कभी कभी CADD भी बोला जाता है। तब उसका फुल फॉर्म लिया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। अब इस कैड का शुरुआत हुआ था 1957 में, जब डॉक्टर पैट्रिक जे हेनरेटी नाम के एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने टोरंटो नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम को डेवलप किया था, जो था फर्स्ट कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है CNC प्रोग्रामिंग। अब CNC के बारे में मैं अगला वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद 1916 में इवन स्टर्लैंड नाम के और एक साइंटिस्ट ने MIT के लिंकन लेबोरेटरी में स्केचपैड नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप किया था, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया कंप्यूटर टेक्निकल ड्राइंग का, मतलब कंप्यूटर टेक्निकल ड्राइंग का शुरुआत वहीं से हुआ। अब कैड में कुछ प्रोसेस होता है, वो है ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग, मॉडिफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग को एक साथ बोला जाता है क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और ऑप्टिमाइजेशन को बोलते हैं एनालिसिस। अब इस क्रिएशन में मेनली दो काम होता है। पहला काम डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, जिसमें हर ऑब्जेक्ट को सही डायमेंशन दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक शाफ्ट है जिसके ऊपर दो पुल्ली है, जो पुल्ली का भी डायमेंशन दिया गया, शाफ्ट का भी डायमेंशन दिया गया और उसका डिस्टेंस भी दिया गया उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और दूसरा काम है रिलेट डिफरेंट फीचर। देखिए, यहाँ एक गियर अरेंजमेंट का फिगर दिया गया है, जहाँ एक शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे गियर हैं। अब यहाँ शाफ्ट और गियर के अंदर रिलेशन क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण हम सही से गियर अरेंजमेंट कर पाते हैं। अब जब गियर चेंज करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका रिलेशन भी सही देना पड़ता है। उसके बाद अगर क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम पाया जाता है, फिर से उसको एडिटिंग किया जाता है, मतलब उसके मॉडल का थोड़ा सा चेंज किया जाता है जहां जरूरत है। अब आ जाते हैं एनालिसिस पे। यहां पे मेनली तीन काम पे ध्यान दिया जाता है। पहला है स्ट्रेस एनालिसिस, फिर डिफ्लेक्शन एनालिसिस एंड उस स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन एनालिसिस का सिमुलेशन किया जाता है उसी सॉफ्टवेयर में, वो हम बाद में देखेंगे। और ये भी कुछ मेथड्स के जरिए किया जाता है, जैसे फाइनाइट एलिमेंट मेथड, जिसको शॉर्ट में FEM बोलते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक एनालिसिस होता है, उसके बाद डायनामिक एनालिसिस होता है, एटसेट्रा। अब देखिए फिगर की तरफ, ये एक बैक क्लिप का फिगर है, जहाँ रेडियस जो प्लेस है वहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा है, उसके साइड में येलो है वहाँ स्ट्रेस थोड़ा कम है, उसके बाद ग्रीन पोजिशन में स्ट्रेस नहीं है। ऐसे हम जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे डिजाइन का काम करते हैं ऑटोमेशन के लिए, तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन फॉर ऑटोमेशन, जिसको शॉर्ट में EDA भी बोला जाता है। जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइन या PCB डिजाइन। जब हम मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन करते हैं ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तब उसको बोलते हैं मैकेनिकल डिजाइन फॉर ऑटोमेशन, जिसको शॉर्ट में MDA भी बोला जाता है। अब आ जाते हैं रेस्टर ग्राफिक्स के ऊपर। रेस्टर ग्राफिक्स वहाँ काम आता है जब हम एनालिसिस के लिए कोई मॉडल को मेसिंग करते हैं, मतलब मेसिंग मतलब छोटा छोटा पार्ट में उस मॉडल को तोड़ते हैं, जिससे एनालिसिस बहुत ही आसान हो जाता है। वहाँ ग्राफिक्स जो यूज होता है उसको रेस्टर ग्राफिक्स बोला जाता है। अब रेस्टर ग्राफिक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बाद में डालूंगा। हर एक कैड डिजाइन करने के बाद उसका मेटीरियल प्रॉपर्टी, प्रोसेस डायमेंशन, टॉलरेंस चेक करना पड़ता है, नहीं तो सही से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैसा मटेरियल यूज होगा, वो कहाँ से लाएंगे वो सब इन्फॉर्मेशन। नाउ 2D में हम ड्राइंग करने के लिए सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैराबोला, स्टार पैटर्न और इसके अलावा भी लाइन, कर्व, स्प्लाइन एटसेट्रा, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 3D में हम सहारा लेते हैं कर्व्ड सरफेस और सॉलिड बॉडी का। कोई भी मॉडल बनाने के लिए मेनली कर्व्ड सरफेस और सॉलिड बॉडी का यूज ज्यादा होता है। जैसे देखिए, यहाँ एक गियर का डिजाइन या कर्व सरफेस और सॉलिड बॉडी दोनों का यूज हुआ है। अब ये सब हो गया मैन्युफैक्चरिंग के बाद। अब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी और भी बहुत सारे जगह कैड का यूज होता है, जैसे एनिमेशन। एनिमेशन का बाद मैं पिछला वीडियो, मतलब ऑटो कैड, व्हाट इज ऑटो कैड में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। उसके बाद स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट कहाँ आप देखे होंगे, साइंस फिक्शन मूवी में, वही स्पेशल इफेक्ट बनाने के लिए भी कैड का ही यूज होता है।
उसके बाद आता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का पूरा मॉडल बनाने के लिए कैट का यूज होता है। वर्चुअल रियलिटी कहाँ यूज होता है? मेनली सिमुलेशन के लिए। सिमुलेशन ये नॉर्मल सिमुलेशन नहीं है, ये सिमुलेशन है, मानिए कोई इंसान अगर कोई काम करने जा रहा है उसको उसके फील्ड में भेजने से पहले उसको एक पहले लाइव व्यू दिया जाता है सिमुलेशन के जरिए। वहाँ वर्चुअल रियलिटी का जरूरत पड़ता है। मानिए कोई रेसर है जिसको रेसिंग करना है, उसको फील्ड में उतरने के पहले मतलब कार चलाने के पहले उसको वर्चुअल रियलिटी में उसका सिमुलेशन किया जाता है, जिससे उसका हाथ और पूरा बॉडी और आंख सेट हो जाता है। वहाँ पूरा वर्चुअल रियलिटी में हर एक ऑब्जेक्ट का डिजाइन कैड से किया जाता है। उसके बाद काम आता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे मेरा ही चैनल का बैनर आप देखे होंगे, इस चैनल का बैनर मैंने खुद कैटिया वर्जन 5 में बनाया हूँ। ये कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड किया गया नहीं है। इसके बाद होता है कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिजाइन में कैड का काम, जिसमें मेनली 3 प्रोसेस होता है, कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स और डिस्क्रीट डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है जो बाद में डिफाइन करेंगे। अब जहाँ कैड का नाम आया वहाँ कैम का नाम भी आएगा। कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उसको बनाने के बाद मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर हिट कर देना, और भी कुछ जानकारी लेने के लिए मतलब इस चैनल से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, उसके लिए सब्सक्राइब बटन हिट कर देना। सब्सक्राइब बटन हिट करने के साथ भी उसके राइट साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन को हिट कर देंगे आप तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। अगर नहीं हिट करेंगे बेल आइकन तो आपको नोटिफिकेशन नहीं